और मेरा छह बहनों में एक भाई था, वो भी नशा करने लग गया था बहुत ज़्यादा। अच्छे बुरे लड़कों के साथ रहता था और बिल्कुल घर को बर्बाद कर दिया था उसने। और हमने सिरसा भेजा 7 दिन के लिए और 7 दिन में नशा छोड़ कर। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम डेरा सच्चा सौदा के जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी डेरा में आते हैं, उन लोगों से आपकी सीधी बातचीत करवा रहे हैं। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुसुमिन साह जी। जी आप कहाँ से आई हैं? मेरठ कैंट से। आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़ी हैं और क्यों जुड़ी हैं? 10-12 साल की थी तब से जुड़ी। मेरी मम्मी पापा भी आते थे, उनके साथ आती थी और आज मेरे बच्चे भी बाल बच्चेदार हो रहे हैं। और मेरा छह बहनों में एक भाई था, वो भी नशा करने लग गया था बहुत ज़्यादा। अच्छे बुरे लड़कों के साथ रहता था और बिल्कुल घर को बर्बाद कर दिया था उसने। और हमने सिरसा भेजा 7 दिन के लिए और 7 दिन में नशा छोड़ कर, और 7 दिन में 7-10 किलो आटा भी नहीं खाया हमारे से। मालिक ने ऐसी रहमत करी हमारे साथ, इतनी गरीबी थी हमारे पास, कुछ खाने को भी नहीं था। पापा थे, बुढ़े थे, इतनी रहमत करी 7 दिन में 10 किलो आटा भी नहीं लगा हमारा। 7 दिन में मेरे भाई नशा छोड़ के आया, अब तक नशा नहीं किया। और सारे भतीजे भांजे मेरे बच्चे सब सारी बहनों के कोई नशा नहीं करता। जी आज की डेट में जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, और आज की डेट में वो आपके साथ भी नहीं है, फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट नहीं है, सत्संग भी नहीं है, तो आप उस चीज़ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं उसको लेकर? सब झूठ है पिताजी के ऊपर आरोप जो है। हमें तो आज भी लगता है हमारे दिलों में पिताजी बिल्कुल हमारे सामने है, हमें तो आज भी लगता है। लेकिन हाथ जोड़ के ये विनती है सरकार से भी कि हमारे पिताजी को जल्द से जल्द हमारे बीच में भेजें। और आपको क्या लगता है कि समाज को सुधारने में उनका या आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? पिताजी ने तो बहुत समाज को सुधारा है। आज देखो पिताजी ने कितना क्राइम बढ़ रहा है, कितना नशे की तरफ बच्चे जा रहे हैं। जी द फैक्ट टाइम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि इनके खुद के घर की एग्जाम्पल है कि इनके भाई ने जो बहुत ज़्यादा नशा करता था, गुरुजी के वचनों पे, वचनों को सुन के, उनकी बात पे चल के उसने नशा छोड़ा और इनका घर नरक से स्वर्ग बन गया। और ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इस दुनिया में और इनके श्रद्धालुओं में जो कहते हैं कि हमारे घर को नरक से स्वर्ग बना दिया। कोई शराब पीता था, कोई नशा करता था, कोई किसी तरीके का नशा करता था, और उसके अलावा भी बहुत सारे बुरे कर्म थे, दुष्कर्म थे, जो लोगों ने इनके वचनों पर चल के छोड़ दिए। सो ये लोग बार बार गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि गुरुजी को जल्द से जल्द रिहा करा जाए और समाज में जो बुराइयाँ बढ़ रही हैं उनको कम किया जाए। Subscribe to our channel and press the bell icon.